नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेली बेटी से जिसने कला के क्षेत्र में एक विशेष कीर्तिमान स्थापित किया है। चलिए मिलते हैं करीना वर्मा से। नमस्ते करीना जी। नमस्कार करीना जी। जैसे कि हमने आपको आपके बारे में बताया कि आप कला के मामले में बहुत महत्वपूर्ण आपने कार्य किए हैं, छोटे से इंटरव्यू में समा पाना कठिन जरूर है, लेकिन फिर भी अपने बारे में आप बताइएगा। आप जन्म से शुरू कीजिए, कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ की आप रहने वाली हैं? मेरा जन्म खुजा में हुआ है, गांव में। और मैं खुजा? जी जी खुजा। कहाँ है? सांकिन के पास, सांकिन संथल रोड। अच्छा जी, झांसी जिले में ही आता। जी जी, और मैं झांसी में रहती हूँ, यहीं पे। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? शिक्षा मेरी पहले पापा की ड्यूटी थी बाना में, तो मेरी पहले प्राथमिक शिक्षा वहीं पे हुई है बाना में, फिर झांसी आ गए थे हम लोग 2012 में। आप अपने पापा का नाम और उनका प्रोफेशन बताइए। आप श्री संतराम वर्मा, और पापा टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ है, श्रीमती गीता देवी। अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है, आपके परिवार का ही परिचय दीजिए। जी, मेरी दो बहनें और हैं, और मेरे एक भाई है। मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गई है, और भैया IAS की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली से। और मेरी जो छोटी वाली बहन है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से BFA कर लिया उसने कंप्लीट। क्या नाम है उनका? उनका साधना वर्मा। करीना जी, आपकी ये जो आर्ट वाली यात्रा है असल में कब से शुरू हुई, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस फील्ड में आपको जाना चाहिए? वो बचपन से तो करते ही थे हम, थोड़े बहुत स्कूल में जो करवाते थे वो तो करते ही थे, पर फिर उसके बाद टेंथ हो गया, फिर उसके बाद एक फील्ड लेने, कौन सी फील्ड में जाना है, तो घर वाले के पापा का तो था मन कि हम साइंस ले ले, तो पर हमारा था कि हम साइंस हमें करना क्या है, जब हमें आर्ट फील्ड में जाना है, इसके बाद BFA ही करना है, तो फिर हम साइंस क्यों ले। तो आपके घर में किसी को कला से रुझान था? पापा हाँ, पहले को, दीदी को, दीदी करती थी। अच्छा। हाँ, तो वो कहती थी, हम लोग भी छोटे में दीदी का ही देख के करते थे, तो उस चक्कर में हो गया हम लोग का आर्ट में इंटरेस्ट। तो आर्ट की बारीकियों को सीखने के लिए आप कहाँ कहाँ, आपने कहीं से किसी को गुरु बनाया, किसी से आप प्रशिक्षण लिया? जी जी, स्कूल में तो हमारी जो मैम है तनुजा साणे मैम, उन्होंने किया विद्या मंदिर से, तो उन्होंने ही पहले सिखाया है, फिर उसके बाद 12th हो गया है, फिर उसके बाद हमने किशन सोनी सर के यहाँ 3 महीने कोचिंग किया है। फिर उसके बाद जुलाई में एडमिशन हो गया था ग्वालियर में जी, शासकीय ललित कला एकेडमी में जी, तो वहाँ से BFA किया है बैचलर, तो वहाँ पे वर्कशॉप भी होती थी, कंपटीशन भी कॉलेज में जो होते हैं तो वहीं पे, और कॉलेज में कॉलेज के बाद जो टाइम मिलता था तो ट्यूशन भी पढ़ाते थे हम। अच्छा, तो वो और बच्चों को आपने द्वारा प्रशिक्षित करती थी? जी, जो छोटे बच्चे हैं स्कूल के तो उनको करते थे, और समर कैंप में भी जैसे पार्टिसिपेट बच्चों को सिखाते थे उनको समर कैंप में जो। करीना, आपके इसके बाद की क्या फायदा था, फिर आपकी शिक्षा आगे कहाँ बढ़ी? वहाँ से तो आपने BFA कर लिया, फिर MA किया है। कहाँ से किया? MA नोएडा से। नोएडा में किस विद्यालय से, स्कूल से, कॉलेज से? शासकीय, वो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट। वो कितने बरस का होता है? 2 बरस का होता है मास्टर MA संग्रहालय का। अच्छा, उसमें क्या 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 विंग्स होते हैं, क्या क्या बताया जाता है उसमें? संग्रहालय में कैसे कार्य होता है, जो डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, जो उसमें आर्टिफैक्ट होते हैं उनको कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, प्रिजर्व कैसे करते हैं, उनको डिस्प्ले जो रहते हैं म्यूजियम में डिस्प्ले करते हैं तो डिस्प्ले कैसे होता है, वहाँ की लाइटिंग कैसे रहती है वहाँ पे, वो सब होता है। अच्छा, दिल्ली में आपने कभी, आपकी अपनी कभी कोई सोलो एग्जीबिशन वगैरह आपने लगाई? नहीं, वो एग्जीबिशन के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग को थ्योरी का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, थ्योरी पढ़नी रहती है हमें, असाइनमेंट भी करने रहते हैं। अच्छा, आपने अब तक लगभग कितने पोर्ट्रेट बनाए होंगे? पोर्ट्रेट मेरे होंगे 200 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो उनको आपने कोई सेल आउट भी हुए? हाँ, सेल आउट काफ़ी हुए हैं। अच्छा, मोस्टली सेल आउट ही हुए हैं,
बाकी कॉलेज में जो लाइव पोर्ट्रेट करते थे वो भी। आपका इसके अलावा और क्या क्या शौक है पेंटिंग के अलावा? पेंटिंग के अलावा मेरा क्राफ्ट का भी है। उसमें क्या करती हैं आप? कार्ड भी बनाते हैं और जो फोटो कोलाज बनता है तो वो भी बनता है, वो भी बनाते हैं। और फोटो होल्डर अभी नया काम किया है स्टार्ट, फोटो होल्डर का प्लेसेस सब कुछ क्राफ्ट वगैरह, छोटे छोटे मिनिएचर जो चीज़ें रहती हैं वो बनाते हैं, कार्टून वगैरह जो एनिमे के कैरेक्टर होते हैं वो भी। इसके अलावा आप कभी किसी बड़े फंक्शन में आमंत्रित की गई कॉलेज की तरफ से जी, या कहीं और? जी वर्कशॉप की है, तो वर्कशॉप पर कहाँ कहाँ की है? एक बटेश्वर की वर्कशॉप है और एक और वहीं कॉलेज में ही काफी वर्कशॉप हुई है। तो आपको किस तरह के अब तक आपके अच्छे काम के लिए पेंटिंग के संदर्भ में किस तरह के सम्मानों से आपको नवाजा गया, क्योंकि अप्रिशिएशन तो मिलता है? जी जी, जब 10th में थे तो एक हमारा कंपटीशन हुआ था, तो उसमें वो ऑनलाइन ही हुआ था, हमें एक पेंटिंग बना के फेसबुक पे डालनी थी, तो कानपुर जॉन में वो दूसरे नंबर पे आई थी, तो उसमें आईजी ने हमें वॉच गिफ्ट की थी। अच्छा जी, उसमें क्या थीम था उसका? उसका था ट्रैफिक पुलिस। अच्छा हाँ, जो रिश्वत लेते हैं उनके ऊपर बनाना था। तो उस पेंटिंग में मुझे याद है ब्लू कलर का बैकग्राउंड था और एक रोड भी बनाई थी और एक ट्रक बनाया था, एक ट्रक ड्राइवर और वो जो ट्रैफिक पुलिस बनाया था और जो रिश्वत लेते हुए बनाया था। और अच्छा, तो इसमें ये था जिस फेसबुक पे डालना था फोटो खींच के। अच्छा अच्छा, आपके और क्या क्या शौक हैं जो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं? मुझे घूमना भी पसंद है। घूमना, पर्यटन? जी, टूरिज्म? कहाँ कहाँ घूम के आई हैं? अभी तो ज़्यादा नहीं घूमे, पर दिल्ली में कई कई जगह है, वहाँ गए हैं, पुराना किला, कुतुब मीनार। किस तरह का टूरिज्म प्लेस अच्छी लगती है, हिस्टोरिकल, धार्मिक या कुछ और? मुझे हिस्टोरिकल भी पसंद है, धार्मिक भी पसंद है। आपने बातचीत के दौरान बताया था कि आपको फोटोग्राफी का भी शौक है। जी, फोटोग्राफी भी कभी कभी ऐसे कर लेते हैं, अगर कुछ जैसे अच्छा लगे कि हाँ वो फोटोग्राफी के में जा जाएगा मेरी, तो मैं वो कर लेती हूँ, या फिर वो नेचर हो या फिर हमारी सोशल लाइफ हो उसके तो लिए। वो फोटोग्राफी आपकी कला में भी सपोर्ट करती है? जी काफ़ी करती है, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो आप ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पे किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और किस नाम से आपके चैनल में सहभागिता होती है? मेरा है के वर्मा क्रिएशन इंस्टाग्राम पे। अच्छा, के वर्मा क्रिएशन से ही यूट्यूब पे है, मौज पे भी इसका अकाउंट है और एक अभी एक नया हिप्पी आया है उसके बारे में मुझे अभी पता चला है, तो हिप्पी पे भी अकाउंट क्रिएट किया है, पर अभी ज़्यादा स्टडीज की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो अभी थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ उसका। आपकी इस यात्रा में या कला वाली यात्रा में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला है अब तक आपको? पापा का। मम्मी का नहीं मिला? मम्मी का ही मिला है, पर पापा मोस्टली, हाँ पापा का ये रहता है कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है करो, पापा को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में पापा मुझे ऐसा लगता है कि आपको संसाधन उपलब्ध कराते हैं। हाँ वो तो है ही, पर एक वो रहता है ना कि जैसे पापा मोटिवेशनल भी रहता है। मोटिवेशन भी रहता है, पापा को सबको भरोसा है, मम्मी पापा को कि हाँ कुछ तो कर ही लेंगे अपने। अच्छा, ऐसा है तो है नहीं है। अब पापा की बेटी का अगला क्या पायदान है जो पापा को और खुशी देने वाला होगा? अभी तो मुझे अभी जाके इंटर्नशिप ज्वाइन करूँगी, म्यूजियम या आर्ट गैलरी में किसी में इंटर्नशिप ज्वाइन करूँगी, फिर उसके बाद वहाँ पे जो हमें वर्क और एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर उसके बाद जॉब में के लिए अप्लाई करेंगे। किस तरह के जॉब के लिए आप एप्लीकेबल होने वाली हैं इसको करने के बाद? इसके बाद म्यूजियम में ही करेंगे, क्यूरेटर के या फिर डिजाइनिंग एग्जीबिशन डिजाइनर उसके रूप में, बाकी तो गवर्नमेंट टीचर की वो कर ही रहे हैं TGT का। अच्छा, हाँ 2024 रन कर रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप 2024 में ऐसा कौन सा आपके दिमाग में है जो धमाका करने वाला आयोजन हो सकता है, सब कुछ चौंकाने वाला हो सकता है? अभी तो मुझे अपनी जॉब चाहिए, वो सिर्फ
क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि कला में तो क्या है, कुछ नहीं है। जो हम फाइन आर्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें लोगों को लगता है इसमें कुछ नहीं है। और उसमें ज्यादातर तो ये लगता है उसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, ऐसा उसमें लोग काम कहाँ करना सोचते हैं? करना सोचते हैं। कई लोगों से हम मिले हैं, उनको लगता है कि क्योंकि उसमें पढ़ना तो रहता नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं पढ़ना रहता है, उसमें भी पढ़ना रहता है। उसमें भी थ्योरी होती है, जो हमारी कलर की थ्योरी रहती है उसमें भी पढ़ना रहता है। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है ऐसा कि उसमें मेहनत नहीं है, उसमें है मेहनत, काफी मेहनत है, उस काम करने भी मेहनत अच्छा, है। ज्यादातर हमने देखा है कि कला के क्षेत्र में, खास तौर से पेंटिंग और इन सब में, लड़कियां ज्यादा सहभागिता उनकी रहती जी है। जी क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है? लड़कियों का दिमाग थोड़ा और ज्यादा क्रिएटिव होता है। मतलब सृजनात्मक सोच की होती है, इसलिए ऐसा कह सकती हैं। अच्छा करीना, अगर आपसे आपसे दो ख्वाहिश पूछी जाए जो आपको आने वाले कल में पूरी करनी है, तो उनको क्रमवार बताइए। मुझे तो पहले फेमस आर्टिस्ट बनना है, फिर मुझे, हाँ मैं सिंगिंग भी करती हूँ कभी, जब मैं काम करती हूँ पेंटिंग का तब मैं गाने चला के ही करती हूँ। खुद गाती भी हैं, जी तो हम चाहेंगे एक आध कोई गाने की दो पंक्तियां गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, नहीं 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 कि दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू। तो ये थी करीना वर्मा, जो अपनी पेंटिंग की यात्रा को बंजारा वीट के साथ शेयर कर रही थी। करीना जी, बंजारा वीट से बात करने के लिए। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।